हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक इंडियन चाइनीज स्टार्टर यानी कि चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की ओर। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लहसुन और अदरक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून विनेगर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम चिकन लॉलीपॉप्स लिए हैं, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे जो हमने मैरिनेशन रेडी किया था उसमें। अब हम इन चिकन लॉलीपॉप्स को अच्छी तरह से मैरिनेशन से मैरिनेट कर लेंगे ताकि जो एक एक चिकन के पीसेस है उस पर सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो हम इन चिकन लॉलीपॉप्स को कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब हम सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 कश्मीरी मिर्चें और 8 से 10 सूखी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो लिया है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इन टमाटरों पे हम ऐसे ऊपर से ऐसे क्रॉस का मार्क लगा देंगे। हमें इसे पूरी तरह से कट नहीं करना है, बस स्लाइटली कट करना है इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से दूसरे टमाटर पर भी ऐसे क्रॉस लगा लेंगे और फिर हम इस पर बॉइलिंग वाटर डाल देंगे ताकि जो इसकी स्किन है वो ईजिली निकल सके। इसे हमें बॉयल नहीं करना है, बस ऊपर से गर्म पानी डालना है। ये देखिए 5 मिनट के बाद जो इसका स्किन है वो बहुत अच्छी तरह से निकल रहा है। इसके स्किन को ऐसे निकाल लें आप। यहाँ पे मैंने इस तरीके से अच्छे से टमाटर के छिलके को निकाल दिया है। अब हम इन टमाटर को जो हमने मिर्ची भिगो के रखे थे उसके साथ अच्छे से पीस लेंगे और स्मूथ सा एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें पीस लिया है। अब हम इसका सॉस बना लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम किया है। जैसे ही ऑयल पूरी तरह से गरम हो जाए हम इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसे 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकालना है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट रेडी किया था मिर्ची और टमाटर का वो डाल देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ठीक है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने करीबन 1/2 छोटा कप पानी इसमें ऐड किया है। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। फिर हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच चीनी। चीनी डालने से जो टमाटर का खट्टापन और मिर्ची का तीखापन रहता है वो बैलेंस हो जाता है। अब ये बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है तो इसे ऐसे 1-2 बार चला लें आप। अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच पानी में 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालकर इसका अच्छा सा घोल बना लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ठीक होने तक बॉईल करेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे क्योंकि हमें इस सॉस को बस अब थिक करना है। करीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद जो सॉस है वो अच्छी तरह से थिक हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी क्योंकि जैसे जैसे सॉस ठंडा होगा इसकी थिकनेस और बढ़ती जाएगी। अब 1/2 आवर भी हो चुके हैं जो हमारे चिकन लॉलीपॉप से वो पूरी तरह से मैरिनेट हो गए, तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 अंडा, 3 टेबल स्पून चावल का आटा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो एक एक चिकन लॉलीपॉप है उस पर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। एक ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पानी आप इसमें बहुत ही कम और थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि जो इसका कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा लूज ना हो जाए। अब मैं इसमें 1 से 2 बूंद रेड फूड कलर ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं।
और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारे जो चिकन लॉलीपॉप है वो अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, आप इसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए अच्छी तरह से गरम हुआ है नहीं। जब ये पूरी तरह से गरम हो जाए तब एक एक करके जो चिकन लॉलीपॉप से वो इसमें डाल दें। फ्लेम को हमें यहाँ पे पहले स्लो रखना है ताकि जो चिकन है वो अंदर से भी पूरी तरह से पक जाए। हम इसे एक साइड से करीबन 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, फिर हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो 3 मिनट के बाद मैं यहाँ पे इसे फ्लिप कर रही हूँ। दूसरे साइड से भी हमें इसे 2.5 से 3 मिनट के लिए कुक करना है, फिर हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जो इसका बाहर का क्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाए। तो इन टोटल आपको इसे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। जब लास्ट के कुछ सेकेंड्स रहें तब आप इसे कंटिन्यूसली फ्लिप करते रहें ताकि हर साइड से ये बहुत अच्छी तरह से क्रंची हो जाए। तो अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कैबेज के श्रेड्स रखे हैं, आप कोई भी सैलेड रख सकते हैं, और साथ ही जो हमने सॉस रेडी किया था वो भी हम रख। हमारा सिंपल सा और ईजी स्टार्टर बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं देखने में भी कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो आप भी सिंपल से रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।